अब देखते हैं, न्यूमेरिकल्स पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो। और कहाँ तक करेंगे? 10 तक, फ्रॉम 1 to 10, जिसमें सेंटर ऑफ मास के हो वो छोड़ देना अभी। सेंटर ऑफ मास के अपन बाद में करेंगे, वो अलग से चैप्टर है, उसको समझाऊंगा। फ्रॉम 1 to 10 टाइम दे रहा हूं, 5 मिनट। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट। इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज सडनली रिड्यूस टू हाफ, देन लेंथ ऑफ द डे विल बी। अर्थ की रेडियस अचानक रिड्यूस होके कितनी हो जाए? आधी हो जाए, R/2 हो जाए, तो लेंथ ऑफ डे कितना हो जाएगा? इसमें बोलो, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है अचानक रिड्यूस होके हाफ हो जाए, तो उसकी रेडियस हमने तो हाफ की नहीं। बाहर से कोई फोर्स लगा के या टॉर्क लगा के हमने क्या हाफ किया? अपने आप ही आधी हो गई ना। ठीक है, तो मास तो सेम रहेगा, मास सेम है, बाहर से कोई टॉर्क लगा नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लग जाएगा। I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना अर्थ का? 2/5 mr², ओमेगा को 2π/T लिख दूं, टाइम पीरियड पहला टी है। इक्वल टू I2 कितना? 2π/5 mr, कितना हो गया? R/2, ओमेगा 2π/T-, ये T- फाइंड करना है। 2/5 mr² खत्म कर दो, 2π खत्म कर दो, क्या बचा है इधर? 1/T इक्वल टू इधर 1/4 1/T-, ये बचा 2 का स्क्वायर 4, तो T- इक्वल टू आया T/4। अभी जो अर्थ अपनी एक्सेस पर एक रोटेशन पूरा करती है, तो एक रोटेशन 24 आवर में पूरा करती है, तो अभी टाइम पीरियड कितना है अर्थ का? 24 आवर। तो यहां 24/4 आंसर हो गया 6 आवर। ठीक है, तो डे लेंथ हो जाएगी 6 आवर, मतलब 3-3 घंटे के दिन रात होंगे। ठीक है ना, 3-3 घंटे के दिन रात होंगे। हाँ, तो तुम लोग कहोगे कि फिजिक्स कितने दिन की? एक दिन ही क्लास होती है ना, उसके बाद रात में होती है केमिस्ट्री क्लास, फिर अगले दिन होती है फिजिक्स की क्लास, बायो की होती है। हमारे यहाँ डेली क्लासेस नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2, और इतना फास्ट जब हो जाएगा काम तो फिर बातें जो है इसी गोले पे थोड़ी होंगी, दूसरे गोले की होंगी, है ना। तो वहां कहेंगे आपके गोले पे क्या होता है, आपके अर्थ पर। हमारे यहाँ तो क्लास लगती है, एक दिन फिजिक्स लगती है, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो लगती है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा बोलो। अच्छा सेकंड, सेकंड देखें, सेकंड में वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है? टुवर्ड द सेंटर। डिस्प्लेसमेंट ये होता है टेंजेंशियल टू द सर्कल, एंगल दोनों के बीच में 90, तो W इक्वल टू Fs cos 90, हमेशा ही जीरो। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जीरो होता है। क्वेश्चन 3, सेंटर ऑफ मास का है, इसको बाद में देखेंगे क्योंकि अभी सेंटर ऑफ मास पढ़ा नहीं है, अलग से पूरा चैप्टर है, उसको समझेंगे। क्वेश्चन 4, सॉलिड स्फीयर है, रोल हो रहा है इंक्लाइन प्लेन पर विदाउट स्लिपिंग, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सिंपल फॉर्मूला, G sin θ / β, जी हो गया 10 sin θ, कितना? 30 डिग्री। बीटा गोले के लिए, स्फेयर के लिए, स्फेयर के लिए बोलो 7/5 ये होता है, तो यहाँ 7/5 होता है बीटा। सॉल्व कर लो, sin 30 बन तो 25/7 m/s². क्वेश्चन 5 देखते हैं। 5th में
इफ ए रिंग इज रोलिंग ऑन इनक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग देन विच पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी विल बी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब वो ये कहते हैं विच पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी डिवाइड में नीचे आने चाहिए, ठीक है। विच पार्ट ऑफ वॉट, किसका, काइनेट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, तो मतलब टोटल एनर्जी का कौन सा पार्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऊपर और टोटल काइनेटिक एनर्जी नीचे, इससे पार्ट निकलता है। पार्ट मतलब डिवाइड, तो डिवाइड करना मतलब टोटल नीचे और उसका कौन सा पार्ट रोटेशनल है, तो रोटेशनल ऊपर। सॉल्व करें, रोटेशनल होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टोटल होती है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक काम करो, ऊपर सब कुछ कैंसिल करना है तो इस वी को क्या लिख लो, आई ओमेगा स्क्वायर, बोलो जरा, वी को क्या लिखते हैं, आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू आई ओमेगा स्क्वायर। ये एम आर स्क्वायर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रिंग का, और ये रिंग की तो बात कर रहा है तो इसकी जगह आई लिख सकते हैं सीधे, तो ये हो गया वन अपॉन टू आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन वन अपॉन टू आई ओमेगा स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू आई ओमेगा स्क्वायर, कितना आया, वन बाई टू, यही आंसर है। सब कैंसिल हो गया, वन बाई टू आ गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बोलो क्या होगा, थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर। चलो चेक करते हैं, देखिए सिक्स्थ में टू सर्कुलर रिंग ऑफ सेम साइज, ये सर्कुलर रिंग है ऑफ सेम साइज ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट देयर प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो ऐसे ही रख दिए हैं, इनके प्लेन कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, द मोमेंट और सेंटर को इंसाइड कर रहे हैं, एक ही सेंटर है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सेस विच इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द रिंग, एक रिंग के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और उसके सेंटर ऑफ मास से इस एक्सेस के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो इस एक्सेस के अबाउट इस पहली रिंग का क्या होगा, फर्स्ट रिंग या सेकेंड रिंग है, बोलो क्या होगा इस पहली रिंग का, इस वाले का या इस वाले का, सेकेंड का देख लो, इसका इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो इसका क्या होगा, बोलो, एम आर स्क्वायर प्लस ये वाली जो रिंग है उसके तो डायमीटर के अबाउट होगा, तो डायमीटर के अबाउट क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू, कितना हो गया, थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन सेवंथ, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम मटेरियल इज 2:1, रेडियस का रेशियो दिया है आर वन बाई आर टू इक्वल टू 2:1, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम मतलब इसका डेंसिटी सेम, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, मोमेंट 32:1 सही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीट्रिकल एक्सेस, डायमीट्रिकल एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बोलो बोलो, स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, मटेरियल सेम है, मास सेम नहीं है, तो मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर लो, 2/5 मास को लिखा वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर के केस में, इनटू डेंसिटी इनटू आर स्क्वायर, डेंसिटी सेम है, ये सब कैंसिल है, मतलब कांस्टेंट है, तो आई डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर टू द पावर 3/5 हो गए, ठीक है, तो आई डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर टू दी पावर 5, आई वन अपॉन आई टू निकाला तो आर वन बाई आर टू टू दी पावर 5, तो 2/1 टू दी पावर 5 मतलब 32:1, ठीक है, आंसर इज 32:1। क्वेश्चन 8, क्लास में कर चुके हैं अगर ध्यान आ रहा हो तो, 3 मासेस एम आर प्लेस एट दिस कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहली क्लास में शायद कर चुके हैं, कितना आंसर आया था, ध्यान है, 4 आया होगा, 3/2 आया था, 3/4 आता है, चलो अलग है तो कर लेते हैं। क्वेश्चन 8,
थ्री पॉइंट मासेस एम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल साइड. थ्री पॉइंट मासेस हैं ये और इस तरह से रखे हुए हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल है एल लेंथ का. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन ऑफ साइड. इस साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये जो दो मास है इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस आई के अबाउट तो क्या हो जाएगा, जीरो. केवल इसका रहेगा. तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर कर लीजिए. आर निकालना है आपको बस. तो ये 60 है, ये लेंथ है, ये आर निकाल लो साइन 60 से. साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ. और ये हो गया कितना, रूट थ्री बाई टू. आर इक्वल टू रूट थ्री एल बाई टू. रख दीजिए यहाँ एम इंटू रूट थ्री बाई टू एल का होल स्क्वायर. कितना आया, 3 ml स्क्वायर बाय 4 आएगा. ठीक है, ये आ रहा है 3 ml स्क्वायर बाय 4. क्वेश्चन नाइन्थ, बोलो. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m स्लाइड्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड रीचेज इट्स लोएस्ट पॉइंट विद वेलोसिटी v. वो वेलोसिटी v कितनी होगी, अंडर रूट 2gh. जस्ट स्लाइड होके नीचे आ रहा है. इफ दिस मास इज इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग रोटेट्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द सेम इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट वो कितनी होती है, अंडर रूट 2gh अपॉन बीटा. बोलो बीटा कितना रिंग के लिए, 2. तो ये कितना है v, और ये नीचे रूट 2. आंसर इज v बाई रूट 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th. ये सब मैंने किए, तुम लोगों ने किए नहीं, जबकि तुम्हें बोला था कि 10 तक करो. चलो अब टाइम दे रहा हूं, 10 टू 20 करो. ये और कर दूं मैं 10. द मास ऑफ रिंग इज कैपिटल M. इधर देखो, ये रिंग का मास कितना है, कैपिटल M है. रेडियस कितनी है, बोलो, R है. रेडियस R है. इट रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सेस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. मान लो ये इस एक्सेस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है. इफ टू मासेस स्मॉल m आर प्लेस एट दी अपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर. ये अपोजिट एंड है डायमीटर के. यहाँ पर स्मॉल m मास धीरे से चिपका दिए. देन न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम. ये दोनों मास रखने से, ये घूम रहे थे पहले तो रिंग घूम रही थी, उसका मास कैपिटल m था, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी, धीरे से दो मास चिपका दिए, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाया, तो क्या हो गया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया होगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया होगा तो एंगुलर वेलोसिटी घट गई होगी. तो वो कितनी हो गई होगी बताना है. तो कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. आई वन ओमेगा वन इक्वल टू कितना, आई टू ओमेगा टू. आई वन कितना, बोलो, पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा. आई टू कितना, थ्री नहीं होगा, ये स्मॉल एम है वो कैपिटल एम है. कॉन्सेंट्रेशन की बहुत कमी है तेरी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ. कैपिटल एम प्लस 2m इंटू आर स्क्वायर, यही होगा एम आर स्क्वायर रिंग का, स्मॉल एम आर स्क्वायर इस मास का, स्मॉल एम आर स्क्वायर इस मास का. तो तीनों हो गए m प्लस 2m आर स्क्वायर. आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, दोनों मास अलग अलग हैं. इंटू ओमेगा टू, ओमेगा टू तो निकालना है, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं बस. ओमेगा टू इक्वल टू एम ओमेगा, कैपिटल एम ओमेगा अपॉन कैपिटल एम प्लस 2m, यही आंसर है. कौन सा करना है, 11th करना है ना. फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर मोमेंटम इज एल. एंगुलर मोमेंटम एल है. इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज डबल, मतलब ओमेगा को आपने डबल कर दिया, 2 ओमेगा कर दिया है. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के आर इसको हाफ कर दिया है, के आर बाय टू.
तो नया एंगुलर मोमेंटम एल डैश इस एल के टर्म में क्या हो जाएगा? तो एक काम करते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या था? आई ओमेगा था। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थी। तो इसमें जो चेंज हो रहा है ओमेगा और के आर, निकालना एल है तो आई नहीं चाहिए हमें, तो दोनों को डिवाइड कर दें जिससे आई कैंसिल हो जाएंगे। एल अपॉन के आर इक्वल टू आई से आई काट दो, ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, क्या बचा? वन अपॉन, ये टू ऊपर चला जाएगा, टू अपॉन ओमेगा आ गया। तो आपने देखा एल इक्वल टू आया टू टाइम्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय ओमेगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एल, इनमें जो रिलेशन आया वो क्या आया? एल इक्वल टू टू के आर अपॉन ओमेगा। ठीक है, अब आप देखो एल डैश फाइंड करना है, नया एंगुलर मोमेंटम के कितना हो गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ हो गई, तो ये हो गई वन बाय टू। वन अपॉन ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा डबल हो गया, तो यहां ओमेगा की जगह लिख दो टू, तो ये वन बाई फोर टाइम्स हो गया किसका? एल का। तो आंसर हुआ एल बाई फोर। ट्वेल्थ में अ यूनिफॉर्म डिस्क इज रोटेटिंग विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एन एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इफ सम वैक्स इज ड्रॉप्ड ऑन द डिस्क देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वैक्स उस पर रखने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन 13 और करा देता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका ए सही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अलोंग एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का जो कहां से पास हो रही है, एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्या होता है डिस्क का? वन बाई टू एम आर स्क्वायर, ये होता है। उसने कहा कि अब बताइए उसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन दिस कॉर्नर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क, क्या होगा इस एक्सेस के अबाउट, कितना होगा? इसका वन बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर मीन्स थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, ये आई दिया हुआ क्वेश्चन में, तो आंसर हो गया थ्री आई, आई डैश इक्वल टू थ्री आई। ठीक है, तो ये अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन आगे हो गए, क्योंकि छोटे छोटे भी आते हैं बहुत। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है सी, और 14 में ये कहा गया है टू डिस्क्स आर ऑफ सेम मास थिकनेस एंड हैविंग डेंसिटीज डी एंड डी बी। मास कैसा है? सेम है। और क्या सेम है? थिकनेस सेम है, डेंसिटी डी ए ग्रेटर देन डी बी ए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, अपने को पता है, ठीक है ना। मास तो सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है? आर स्क्वायर आ रहा है। लेकिन आर स्क्वायर हमें नहीं दिया, तो हम ये मास सेम है इसको लेकर के हम आर का रिलेशन बना सकते हैं। एम इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी मतलब डी। वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू थिकनेस, तो एरिया हो जाएगा डिस्क का पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस क्या हो जाएगी टी, इनटू डेंसिटी हो गई डी, मास हो गया एम। अब क्वेश्चन में मास सेम दिया है, पाई सेम है, और क्या सेम है? बस थिकनेस भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, तो आर स्क्वायर और डी में क्या रिलेशन बना? आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आई मास सेम है, वन बाई टू सेम हो गया, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, बट आर स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
डी, ठीक है, क्वेश्चन में डी ए ज्यादा है, तो अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ए का, आई ए लेस देन आई बी, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए थे, आई ए इक्वल टू आई बी, आई ए ग्रेटर देन आई बी एंड आई ए लेस देन आई बी, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 15 में इन फिगर वेट W इज टाइड बाय अ स्ट्रिंग एंड रोल्स ओवर ए सिलेंडर, अभी एक क्वेश्चन किया था वैसे ही हो गया, सिलेंडर है और इधर एक वेट W सस्पेंड कर दिया है, रेडियस सिलेंडर की कितनी है, R है। इफ वेट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट फ्रॉम रेस्ट देन इट्स स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज गिवन या प्रोपोर्शनल टू, तो इस जगह पे आ गया, मान लो एच हाइट, नीचे एच हाइट से गिरा रहे हैं यहां तक आ गया, तो इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अभी क्या निकाली थी वेलोसिटी, आई इक्वल टू बोलो अंडर रूट टू जी एच डिवाइड बाय वन प्लस आई अपॉन स्मॉल एम आर स्क्वायर, इसका मास था, ये जो स्मॉल एम दिया हुआ है, स्मॉल एम को वेट से लिख सकते हैं, एम जी इक्वल टू वेट होता है, तो एम इक्वल टू डब्ल्यू बाय जी, यहां अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं डब्ल्यू बाय जी से, अब आप चेक करो क्या वेलोसिटी रेडियस पर डिपेंड कर रही है, आर है ये, आपको लग रहा होगा कि आर लिखा है इसलिए डिपेंड कर रही है, लेकिन आई को क्या लिखते हो, कैपिटल एम आर स्क्वायर, बस आगे कोई भी फैक्टर हो सकता है, सिलेंडर है तो वन बाई टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप देखेंगे आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, केवल ये मास आया, स्मॉल एम मास आया, मतलब वेट आया या जी आया एच आया, इन सब पर डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, आर स्क्वायर पर डिपेंड नहीं कर रही, इस रेडियस सिलेंडर के रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर टू द पावर जीरो, ये आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना, ये आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा अगर रख देंगे तुम यहां। क्वेश्चन 16th, अ रॉड ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द फ्लोर, एक रॉड को हमने ऐसे फ्लोर पर वर्टिकली प्लेस कर दिया है, लेंथ कितनी है बोलो इसकी, एल, एंड व्हेन इट फॉल्स देन द वेलोसिटी ऑफ एंड विच स्ट्राइक द फ्लोर, ये ए एंड है, ये बी एंड है, जब ये गिरता है, गिरती है रॉड नीचे, तो ये ऐसे हो जाएगी यहां पर, तो इस बी जो एंड है इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये पूछा है वेलोसिटी कितनी है, और अज्यूमिंग दैट एंड ऑफ द रॉड विच इज एट फ्लोर नॉट स्लिप, और ये स्लिप हो नहीं रहा, ए अपनी जगह पर ही है, तो ऐसे ये रोटेट हो रहा होगा, रोटेट होके नीचे गिर रहा है, तो रोटेट होके नीचे गिर रहा है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो यहां पर क्या फार्मूला लगाएं, क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, कुछ समझ आ रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, यहां पर जो एनर्जी होगी रेस्ट में वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर ये रोटेट होके नीचे आ गई तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसमें नहीं है क्योंकि आगे मूव नहीं कर रहा, तो हम सिंपल ये लिख सकते हैं एम जी एच इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बस अब इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना, मास तो इस पूरे रॉड का हो गया, ये भी चेंज नहीं हुआ, एच क्या लें, एल बाई टू, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो यहां पर है ना रॉड, ये यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म मास की रॉड है, हर जगह पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ग्राउंड से कौन से पार्ट का मास लें वो हमें नहीं पता, तो फिर इस पूरी रॉड को एक हम क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट मास मान लेते हैं, और वो पॉइंट कहाँ होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पर, और सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, इसके ठीक सेंटर पर, अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर पर, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही इसका सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है या ऐसी लोकेशन होती है उस बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर जहां पर हम पूरी बॉडी के मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, जनरली ये कहाँ होता है,
ज्योमेट्रिक सेंटर पर ही होता है अगर मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर हम कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट होगा सेंटर ऑफ मास, तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो यहां पर एम जी, ये सेंटर ऑफ मास यहां हो गया, कितनी डिस्टेंस पर होगा ग्राउंड से, एल बाई टू, तो एच की जगह एल बाई टू लिख देंगे। वन अपॉन टू आई, किस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, ए के अबाउट रोटेट हो रही है रॉड, और ए के अबाउट रोटेट हो रही है तो मतलब वन एंड के अबाउट रोटेट हो रही है, तो जब वन एंड के अबाउट रोटेट होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री, इसमें तो लेंथ पूरी आएगी एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री इंटू ओमेगा। अब देखिए पूरी रॉड रिजिड है, हर पॉइंट का ओमेगा सेम होगा, लेकिन मतलब ओमेगा कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट की सेम होगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी हर पॉइंट की अलग अलग होगी, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, ओमेगा सेम तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r, r पर डिपेंड करेगी। तो b पॉइंट जो होगा इसकी रेडियस ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, और जो a पॉइंट है उसकी रेडियस अप्रॉक्स जीरो है, क्योंकि a पर जो पॉइंट होगा वो जीरो रेडियस में घूमेगा जब ये गिरेगा, तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा एल बाई टू पर तो एल बाई टू रेडियस में घूमेगा, ये बी पॉइंट एल रेडियस में घूमेगा, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ ओमेगा को वी बाय आर लिख सकते हैं, मतलब वी बी बाय आर, आर क्या लें इस बी पॉइंट की ए से जिस रेडियस में वो घूम रहा है वो रेडियस, तो वी बी बाई एल इसका स्क्वायर, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, एम से एम उड़ा दो, टू से टू उड़ा दो, थ्री जी एल आ गया, इधर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो वी इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 3gL, तो B पॉइंट की वेलोसिटी हो गई है अंडर रूट 3gL। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादातर चेंज करेंगे तो वो किसी और पॉइंट की वेलोसिटी पूछ सकते हैं, करना इतना ही है बस, ये बदल जाएगा। अगर यहाँ पर कोई वो C पॉइंट ले लें ये वाला और पूछें कि C पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है गिरते समय, तो यहाँ VC बाई क्या लिखेंगे, किस रेडियस में C पॉइंट घूमेगा, L बाई टू रेडियस में, तो यहाँ L की जगह पर L बाई टू आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो केवल यहां चेंजेज आएंगे, बाकी सब वही रहेगा। क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 में फोर स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस ए आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड बी। तो सबसे पहले आप एक स्क्वायर बना लें जिसकी साइड कितनी है, बी है, और इनके कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल स्फीयर रख दें, कुछ नहीं कहा जाए तो सॉलिड स्फीयर रखिए, और इन सॉलिड स्फीयर की रेडियस कितनी है, ए है, सभी की रेडियस ए है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अलोंग वन साइड, किसी एक साइड ये ले लो, इस साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वन साइड, फिर अलोंग डायगोनल भी निकालना है, तो पहले हम ये आई वन ले लेते हैं, डायगोनल कौन सा होगा, ये वाला, इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आई टू, दोनों निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालें आई वन, देखिए जब हम I1 फाइंड करेंगे, इधर मिटा दूं इसको, I1 फाइंड करें तो एक एक करके चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालो और सबको चारों को ऐड कर दो। तो देखिए जब इसका निकालेंगे, ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, 2/5 mr², क्योंकि डायमीटर है, सॉलिड स्फीयर है। फिर इसका भी निकालेंगे, तो इसका जब इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी, मतलब इसका इतने पॉइंट का 2/5 mr² प्लस mr² और r की जगह b, तो हम इन दोनों स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, वैसे ही ऊपर है तो उसमें डबल कर देंगे। तो I1 फाइंड करना चाहते हैं तो पहले इसका क्या होगा, 2/5
एम इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है, ए है, तो एम ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस इस वाले स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट, तो इस स्फीयर का ये डायमीटर है, डायमीटर के अबाउट कितना, 2/5 एम ए स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, एम इंटू बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर, ठीक है। बस इसी को हम मल्टीप्लाई कर दें पूरा, कितने से, 2 से, तो ये पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। करते हैं कितना आ जाएगा, 2/5, 2/5, ये तो 4/5 हो गया, और 4 × 2 = 8, 8/5 एम ए स्क्वायर प्लस 2 mb² ये आंसर होगा, ठीक है ना। अब निकालते हैं I2, देखिए I2 के लिए ये एक्सिस है, पहले इस वाले का निकालें और इस वाले का निकालें, दोनों सेम होंगे, फिर इसका इसके अबाउट निकालें, इसका इसके अबाउट निकालें, वो भी सेम होगा, तो क्यों ना हम इसका और इसका निकाल लें, बस उसमें डबल कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसका निकालो, ये तो डायमीटर है, बोलो कितना होगा, 2/5 एम ए स्क्वायर होगा, और साथ साथ इसका भी चलो निकाल ही लो, इसका क्या होगा, इसका भी 2/5 एम ए स्क्वायर, तो कितना हो गया ये, चलो लिख ही दूं, 2/5 एम ए स्क्वायर, दोनों का निकला है। अब इसका निकालो, इसके लिए ये एक्सिस ध्यान देना, इस एक्सिस के अबाउट कितना, 2/5 एम ए स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए एम इंटू आर स्क्वायर, तो ये कितना, साइड कितनी थी बी, तो ये बी बाई रूट टू होगा, तो बी बाई रूट टू का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा, और इस वाले का भी यही होगा, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाले का भी तो यही होगा, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 4/5 एम ए स्क्वायर, 4/5 एम ए स्क्वायर, इधर कितना, 2 × 4, 4/5 एम ए स्क्वायर, इसमें भी आ रहा है, तो इसी को कितना कर दूं, 8/5 एम ए स्क्वायर कर दूं, प्लस बोलो 2 mb² / 2, ये हो रहा है, तो ओनली एम बी स्क्वायर, यही आंसर है, 8/5 एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोला जा रहा है 18 में, पार्टिकल ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3√3 यूनिट इन द एक्स ओ वाई प्लेन अलोंग द लाइन y = x + 4। एक्स ओ वाई प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन बना लो, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, कौन सी लाइन दी है, y = x + 4, इस लाइन का ग्राफ क्या बनेगा, y = mx + c, तो y = mx + c किधर होता है, ऐसा होगा, ऐसे ही जाएगा, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये 0 है, ओरिजिन है ये 4 होगा कि नहीं, ये 4 y = mx + c होता है, अच्छा ये 4 है, तो इधर कितना होगा, इधर ये y की वैल्यू आ गई ना, तो y की जगह 4 लिख दो, हमने इक्वेशन को देख के y की वैल्यू निकाल ली 4, कि ये 4 है y पर, y को 4 लिखूं तो यहां पर x 0 होगा, मतलब x = 0 पर y 4 है, इधर क्या है, y 0, इधर तो y 0 हो गया, तो x क्या हो गया, -4, तो यहां से यहां तक क्या होगा, ये भी 4 ही होगा, मतलब होगा माइनस का लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन में ये बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजन, मतलब एक पार्टिकल इस लाइन पर चल रहा है, इधर से कहीं से स्टार्ट हुआ, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यहां तक निकल गया आगे, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से वो चल रहा है इस लाइन के अलोंग, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 3√2 यूनिट, ठीक है। पूछा क्या, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या फॉर्मूला होता है, लीनियर मोमेंटम एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना वहां से इस मोमेंटम पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए आपको यार, ठीक है। तो मास कितने किलोग्राम, 5 kg, वी हो गया 3√2, बोलो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, कैसे निकालोगे, 4√2, बोलो, ये 4 है, ये 4 है, 4√2 3 होगा, 4/√2, यहां से ऐसे भी कर लो, ये 90 है, ये और ये सेम है, तो ये कितना हुआ, 45 हुआ, साइन 45 लगा लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन 45 इक्वल टू, बोलो, परपेंडिकुलर आर बाय 4, तो आर इक्वल टू 4/√2, साइन 45 1/√2 होता है, तो ये हो गया 4/√2, ऐसे कुछ आ रहा है, कौन सा आंसर आ गया, 60। ठीक है, देखो एक तो तरीका यह है ऐसे करने का, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का एक तरीका और होता है मैथमेटिक्स का, कोई अगर लीनियर इक्वेशन है, क्या दिए, लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन ही है, कैसे पहचानेंगे लीनियर है, एक्स और वाई की पावर 1 होगी तो वो लीनियर इक्वेशन होगी, आगे मल्टीपल कुछ भी हो, प्लस माइनस कुछ भी हो, वो लीनियर इक्वेशन होती है, तो किसी लीनियर इक्वेशन पर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है, मान लो x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो फार्मूला ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, पूरी इक्वेशन को एक साइड ले लो, ठीक है, और उसका उसको मॉड में बंद कर दो, मॉड ऑफ y माइनस x प्लस 4 राइट डिवाइड बाय अंडर रूट x और y के जो मल्टीपल हैं उनका स्क्वायर, x का मल्टीपल यहां जो भी हो जाए, यहां पर x1 स्क्वायर जो भी मल्टीपल होगा, कितना है, यहां तो 1 है, और अदरवाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लो, a और b अगर है तो, बस y और x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देना, कौन सी, x1 y1, तो y1 और ये x1, ठीक है। अब यहां पर कहां से निकालना था, ओरिजिन से निकालना था, तो ये तो 0 हो गए, एक्स और वाई तो 0 0, तो ये हुआ 4 डिवाइड बाय अंडर रूट, एक्स का मल्टीपल कितना, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस ये वाई का मल्टीपल बी उसका भी स्क्वायर 1, तो ये हो गया 4/√2, तो एक ये तरीका होता है, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वी एट एन एंगल ऑफ 45 degree विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 45 degree पर एक पार्टिकल को जिसका मास m है वी वेलोसिटी से थ्रो किया गया, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो ऐसे जाएगा ये, ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ऐसे जाएगा, तो जब ये पार्टिकल इसमें बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ओ के अबाउट पूछा है, ठीक है, प्रोजेक्शन पॉइंट के अबाउट, व्हेन द पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट, तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो गई एच, जब ये यहां पर आ जाए तो एंगुलर मोमेंटम बताइए इस ओ पॉइंट के अबाउट, तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल वी वेलोसिटी से फेंका था, इस वेलोसिटी यहां पर वेलोसिटी होती है, बोलो
वी कॉस थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पर होती है वी कॉस थीटा, क्योंकि आप ब्रेक करते हैं ना वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा, तो वी साइन थीटा कम होते होते जीरो हो जाता है, और ये वी कॉस थीटा हर जगह पर सेम बनी रहती है, ठीक है। तो वी साइन थीटा जीरो हो जाता है, वो वेरी करता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में, और वी कॉस थीटा हर जगह पर सेम रहता है, तो वी कॉस थीटा हो गया। अब बताओ वी कॉस थीटा की डायरेक्शन क्या है, तो वी कॉस थीटा की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। तो अब हमें तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो जे इक्वल टू क्या होता है, पहले तो मोमेंटम लीनियर मोमेंटम यानी एम वी कॉस थीटा इनटू जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए उस पॉइंट से एम वी की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो क्या आएगा, ये किसके इक्वल होगी, एच के। तो एम वी कॉस थीटा इंटू एच कितने डिग्री से पैगा गया है, 45। तो वैल्यू पुट करें एम वी कॉस 45 इंटू एच। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन देखें, और ऑप्शन में एच के टर्म में भी आंसर चाहिए आपको, एक एच के टर्म में भी दिया है, वी के टर्म में भी दिया है, सी में एच के टर्म में भी है, और उसमें बस वी नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ एच को अगर मैं एच लिखा रहने दूँ, एम वी और कॉस 45 क्या होता है, वन बाय रूट टू इंटू एच, यही बोला एच। वी को हम एच से हटा दें क्योंकि एच के टर्म में आंसर चाहिए अगर आपको, तो एच के लिए फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो यहां मैं v की वैल्यू निकालूं तो ये 2g आ जाएगा, h इंटू 2g इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 45 वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू का स्क्वायर वन बाय टू, टू ऊपर चले गए तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 4gh, यही आया। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करूं v की जगह पर अंडर रूट में 4gh इंटू वन बाय रूट टू इंटू एच, तो देखो जरा क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर रूट टू, टू से 2 बाय रूट टू, रूट टू हो गया, तो m इंटू रूट टू हुआ, और क्या हुआ, अंडर रूट जी एच। तो इस h को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो अंदर क्या हो जाएगा, जी एच क्यूब, ये हो रहा है, देखो आंसर है क्या कोई, m और रूट टू तो अंदर ही ले जाओ अगर ये रूट है, तो एम अंडर रूट कितना हो गया, 2gh³, तो ये सी आंसर हो गया। अब बी भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, तो बी के लिए एच की वैल्यू पुट कर दो, जे इक्वल टू एम वी बाय रूट टू, तो ये है, और एच की वैल्यू क्या है, यहां से उठा के लिख दो, v² बाय 4g, ठीक है, तो एम वी क्यूब अपॉन 4√2g, तो ये बी आंसर भी है, तो बी और सी दोनों आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का सीधा फॉर्मूला है, तो क्या दिया है, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो अंडर रूट 2mgh, अभी हमने निकाला भी था, y प्लस स्मॉल mr स्क्वायर, ये रहेगा। 21 सेंटर ऑफ मास का है, बाद में करेंगे, 22 करें, 22 का ए सही है, 22 का ए, चलो करोगे आप लोग, 20 कहाँ तक कर गए, कर लिए 20 से करिए, कहाँ तक करेंगे, 22 से करो, 5 कर लो बस, ठीक है, 5 के बाद फिर मैं कर रहा हूँ, 26 तक कर लो, चलो 27 तक कर लो, 27 तक, 24 में द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्क्वायर प्लेट ए बी सी डी ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन है, एक प्लेट है और इसको लेबल किया गया है ए बी सी डी,
एक एक्सेस ये दी है आई वन, दूसरी एक्सेस ये दूसरा डायगोनल दी है आई टू, तीसरी एक्सेस ये दी है आई थ्री, फोर्थ एक्सेस ये दी है आई फोर, चार एक्सेस दी है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर से जाने वाली उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेस के अबाउट फाइंड करना है, तो इसको चाहो तो मैं डॉट लिख देता हूं यहां पर। इस डॉट का मतलब है हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पॉइंट से जाने वाला और आउटवर्ड एक्सेस के अबाउट। तो एक काम करो, इधर से देखो जरा, आई वन और आई टू के बारे में सोचो। देखो जरा आई वन आई टू को कैसे हैं, कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, एक ही प्लेन में है, तो दोनों का सम किसके इक्वल होगा, आई थ्री नहीं, इस आई के इक्वल होगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आई, अगर ये एक्स है ये वाई है तो इसको आई जेड एक्सेस मान लूँ, इसको आई जेड लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आई जेड ही तो फाइंड करना है, तो आई जेड इक्वल टू क्या होगा, आई वन प्लस आई टू होगा कि नहीं होगा। अब जरा आई थ्री और आई फोर देखो, आई थ्री और आई फोर कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, और उनके इंटरसेक्शन से ही तो आई जेड जा रहा है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, आई थ्री आई फोर का सम क्या होगा, आई जेड होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब और आगे बढ़ाएं कहानी को, आई वन आई टू एक ही एक्सेस नहीं है क्या, अरे डायगोनल है तो कोई सा भी डायगोनल ले लो, सब कुछ सिमेट्रिक है। इस आई वन एक्सेस के अबाउट इधर उधर जो डायग्राम है सिमेट्रिक है, आई टू के अबाउट भी इधर उधर का डायग्राम सिमेट्रिक है, तो चाहे हम आई वन के अबाउट निकालें या आई टू के अबाउट निकालें एक ही निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई वन आई टू को बराबर करके टू आई वन लिख दूं, बोलो, या इसको टू आई टू भी लिख सकता हूं, आई जेड चल रहा है लिख सकता हूं क्या, आई वन आई टू की जगह आई वन लिखा तो टू आई वन, आई टू की जगह ये आई वन की जगह आई टू लिख दिया तो टू आई टू, क्योंकि बराबर है। आगे बढ़ गए, आई थ्री और आई फोर बराबर है कि नहीं है, चाहे आई थ्री के अबाउट निकालो या आई फोर के अबाउट निकालो एक ही निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आई थ्री इसको पूरे सेगमेंट को बाइफरकेट कर रही है, आई फोर भी बाइफरकेट कर रही है इक्वली, तो चाहे आप आई थ्री के अबाउट घुमाओ या आई फोर के अबाउट घुमाओ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो आई फोर को आई थ्री लिख दूं तो टू आई थ्री हो गया, या आई थ्री को आई फोर लिख दूं तो टू आई फोर हो गया। तो आई जेड बराबर टू आई वन टू आई टू टू आई थ्री टू आई फोर। तो इतने से तो दिख रहा है कि आई वन आई टू आई थ्री आई फोर बराबर हो गए, लेकिन जब मैं आई जेड निकालना चाहूंगा तो 2i1 लिख सकता हूं या i1 प्लस i2 लिख सकता हूं, या इन चारों में से कोई से भी दो का सम कर सकता हूं। तो आप अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, इन चारों में से कोई सा भी सम कर दीजिए तो वो iz के बराबर होगा, लेकिन दो का सम करना है बस, क्योंकि 2i1 है 2i2 है 2i3 है 2i4 है और सारे आपस में बराबर हैं, तो हम किन्हीं भी दो का सम यहां लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में आप देखेंगे, पहले ऑप्शन में I1 प्लस I2 है तो ये भी ठीक है, इक्वल टू I2 प्लस I4 है ये भी ठीक है, फिर और क्या दिया है I1 प्लस I3 है तो ये भी ठीक है, कोई से भी दो ऐड कर दो, उस दोनों का सम IZ के बराबर होना ही है। क्वेश्चन 25, देखिए 25 में, लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट अबाउट एन एक्सेस ए बी। एक स्क्वायर प्लेट है और स्क्वायर प्लेट को लेबल कर दिया जाए जैसा इसमें किया था, ए बी सी डी कर दें कहीं भी, ए बी सी डी ठीक है,
आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट अबाउट एन एक्सिस ए बी दैट पासेस. अच्छा ए बी अलग से वो एक्सिस दी है, ए बी सी स्क्वायर इसको लेबल नहीं किया गया है. चलो हम तो इसको कोई बात कोई सा भी एक स्क्वायर मान लेते हैं. क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं. लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट अबाउट एन एक्सिस ए बी दैट पासेस थ्रू इट्स सेंटर एंड इज पैरेलल टू टू साइड्स. मतलब इसके सेंटर से जाए और इनकी कोई सी भी दो साइड के पैरेलल हो. ये है ए बी एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में गिवन है क्या आई. फिर आगे पढ़ते हैं. सी डी इज ए लाइन इन द प्लेन ऑफ प्लेट दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द प्लेट मेक्स एन एंगल थीटा विद ए बी. सी डी कौन सी लाइन है जो उसी सेंटर से जाए, इसी प्लेन में है, बस ये ए बी से थीटा एंगल पर है. तो थीटा एंगल पर ऐसी लाइन बना लेते हैं. ये सी डी हो गया, ठीक है, ये एंगल है थीटा. फिर उसने पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट द एक्सिस सी डी. इस सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैस कितना है. ऑप्शन दी है, आई है आई साइन स्क्वायर थीटा है, आई कॉस स्क्वायर थीटा है, आई कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू है. एक काम करो, ये एक्स वाई प्लेन में होगी प्लेट, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस इधर हो गई जेड एक्सिस, तो ये सेंटर हो गया. तो सेंटर के सेंटर से जाने वाली और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले आई जेड मान लो. अब इधर ध्यान देना, ये है कितना आई जेड, ये ए बी है, ए बी दिख रही है नहीं दिख रही, ऐसे कर रही, ए बी दिख रही है ना, हाँ. तो इधर ए बी के परपेंडिकुलर किधर होगा, ये होगा. इस एक्सिस को कोई नेम दे दूं, ए डैश बी डैश बोलो. तो आई जेड इक्वल टू क्या होगा बताओ, आई ए बी प्लस आई ए डैश बी डैश सेम होगा कि नहीं. अच्छा अब इधर आ जाओ, ये सी डी है, सी डी के परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन खींची जा सकती है इधर कहीं, ठीक है ना, लाइन खींच सकते हैं कि नहीं. ये कोई परपेंडिकुलर हो गया इसके, ये हो गया कितना, इसको सी डैश डी डैश नेम दे दें. तो आई जेड इक्वल टू और क्या होगा, आई सी डी प्लस आई सी डैश डी डैश होगा, क्योंकि दोनों. अच्छा अब हिसाब लगाओ इधर, आई ए बी और आई ए डैश बी डैश कैसे हैं, इक्वल है ना, चाहे इस एक्सिस के अबाउट निकालो या इस एक्सिस के अबाउट, सिमेट्री है. तो आई ए बी तो क्वेश्चन में आई दिया है, तो आई ए डैश बी डैश भी क्या होगा, आई होगा, तो ये टू आई हो गया बराबर. आई सी डी और आई सी डैश डी डैश दोनों बराबर है, सी डी ये रहा उसी के परपेंडिकुलर, तो ड्रॉप उसी के परपेंडिकुलर तो बनाया है, चाहे ये एक्सिस ले लो या उसके परपेंडिकुलर एक्सिस ले लो, सिमेट्रिक है, सिमेट्री से दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा. तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई सी डी, दूसरा भी आई सी डैश डी डैश भी आई सी डी होगा, तो टू आई सी डी कर दें. ये आई जेड चल रहा था, तो आई सी डी तो किसके बराबर आ गया, देखो आई के बराबर आ गया, टू से टू कट गया. तो यही तो पूछा है सी और डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो वो आई के बराबर है, ठीक है. अगर वो जेड के अबाउट पूछता तो वो किसके बराबर होता, इन दोनों में से किसी का भी हम सम करते कर सकते थे, दोनों का सम, ठीक है ना, दोनों का सम ऐसे होगा. क्वेश्चन 22 का आ रहा है आंसर ए, 23 ए सही है, 24 ए सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी गलत है.
ए बी सी 25 25 का है ए 26 26 का है बी बॉम्बे 27 ए सही है। ठीक है चलिए करते हैं कौन सा करें 22 आप आगे करो एक तरफ से जब अगर मैं 22 कर रहा हूं आप तो आगे स्टार्ट कर दो देखिए जो लोग नहीं कर पाए हैं मेरे साथ करें 22 जो कर चुके हैं वो आगे बढ़े 22 में ये दिया हुआ है सर्कुलर डिस्क एक्स रेडियस आर है मेड फ्रॉम एन आयरन ऑफ थिकनेस टी एक सर्कुलर डिस्क है उसकी थिकनेस है टी और इसका नाम है एक्स रेडियस आर है और ये आयरन की बनी हुई है। एक और डिस्क है वाई जिसकी रेडियस 4R है ठीक है और थिकनेस कम कर दी है टी बाई 4 कर दी है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन बताना है। तो अपने को यह मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम इस एक्सिस के अबाउट लें या किसी भी एक्सिस के अबाउट लें तो MR स्क्वायर तो आएगा ही मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल MR स्क्वायर तो डिस्क के केस में होगा ही। अब देखो आप क्या क्या दोनों में चेंज है थिकनेस चेंज है रेडियस चेंज है थिकनेस और रेडियस चेंज होने के कारण मास चेंज हो जाएगा तो यहाँ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास को क्या लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू थिकनेस वॉल्यूम को लिख लूँ πr स्क्वायर इंटू थिकनेस लिख सकता हूँ πr स्क्वायर इंटू टी इंटू डेंसिटी आर स्क्वायर ठीक है। दोनों ही आयरन की ही बनी हुई हैं आप देखें मतलब डेंसिटी सेम होगी पाई सेम है थिकनेस डिफरेंट डिफरेंट है तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया किसका आर टू दी पावर 4 इंटू टी आ रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं आई एक्स बाय आई वाई इक्वल टू आर एक्स वाई आर वाई तो आर एक्स हो गया आर आर वाई कितना हो गया 4 आर का पावर 4 में टी एक्स है टी टी वाई कितना है टी बाय 4 4 चला गया ऊपर इसको सॉल्व कर लीजिए तो टी से तो टी कैंसिल ही हो गया एक 4 इधर से उड़ जाएगा तो आपके पास 1/4 टू दी पावर 3 मतलब 64 बचेगा तो आई वाई इक्वल टू क्या आ गया 64 आई एक्स आई वाई इक्वल टू 64 आई एक्स यही हमारा आंसर है ठीक है ना। क्वेश्चन 23 देखें ये 22 था 23 में लेट एफ बी द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल having position vector r vector and tau be the torque of this force about the origin origin की बात कर रहा है तो यहां पर ही origin है ये position vector हो गया r vector ये किसी particle p का question में बोला गया कि इस पर हम कोई force लगाएं तो वो torque बनेगा मान लीजिए यहां हम ऐसा force लगा रहे हैं इस point पर एफ फोर्स लगाने पर टॉर्क बनेगा तो टॉर्क इसको घुमाएगा इस पार्टिकल को कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमा रहा तो टॉर्क आर क्रॉस एफ तो आता है ये तो मालूम है इस टॉर्क की डायरेक्शन कहां होती है आर क्रॉस एफ अंदर अंदर की तरफ होगी मतलब अगर ये एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है तो इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी माइनस के कैप होगी होगी कि नहीं अंदर की तरफ होगी और हम क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन नहीं थी हम कहीं भी इधर फोर्स लगा दें तो ऐसे घूमेगा ठीक है ना तो फिर प्लस के कैप हो जाएगी जो भी होगी टॉर्क की डायरेक्शन आर और एफ को रखने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगी
और सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन हो गया ये, टॉर्क और आर के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, टॉर्क और फोर्स के बीच में भी 90 बनेगा, क्योंकि आर और एफ एक्स वाई प्लेन में है और टॉर्क या तो एक्सिस के अलोंग आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, ठीक है ना। तो मतलब टॉर्क का आर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, टॉर्क का एफ के साथ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, तो ए आंसर हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट टाउ वेक्टर इक्वल टू जीरो, एफ वेक्टर डॉट टाउ वेक्टर इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, टू पार्टिकल पी एंड क्यू आर लोकेटेड एट डिस्टेंस आर पी एंड आर क्यू रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेटिंग डिस्क सच दैट आर पी ग्रेटर देन आर क्यू। दो पार्टिकल हैं पी और क्यू, ये आर पी और आर क्यू डिस्टेंस पर लोकेटेड हैं एक रोटेटिंग डिस्क से, ये सेंटर से एक है, ये कहाँ पर, एक पार्टिकल आर पी डिस्टेंस पर है, एक पार्टिकल आर क्यू डिस्टेंस पर, आर पी ज़्यादा है। तो पूछा है किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। देखो ये ऐसे घूम रहा है तो अल्फा तो सभी का सेम होगा, तो ए इक्वल टू क्या कर सकते हैं, आर अल्फा, यही फार्मूला है। आर देख लो आप किसका ज़्यादा है, पी का ही ज़्यादा है, यही आंसर है, पी हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन देन क्यू। 27 में दोनों जो डिस्क हैं वो स्लाइड होके नीचे आ रही हैं, जब स्लाइड होके नीचे आ रही हैं तो बीटा तो बन हो गया और दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, अंडर रूट टू जी एच। जैसे यहाँ पर एच है, इधर एक्स है और इधर ये टू एक्स, ऐसा कुछ दिया है, एक डिस्क इधर एक डिस्क, स्लाइड होके नीचे आ रही, क्वेश्चन में लिखा है स्लाइड होके नीचे आ रही। तो जब ये यहाँ बॉटम पर आ जाएंगी तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी इस पे किसकी वी वन है इसकी वी टू है, तो दोनों बराबर होंगी कि नहीं, क्योंकि ये सीधे सीधे डिपेंड किस पे करता है, हाइट पर, टू जी एच बाय बीटा और होता है, ठीक है ना। हालांकि रोल होके आती तब भी इतना ही होता बराबर, क्योंकि रोल होके आती तो बीटा तो दोनों के लिए सेम होता ना, आइडेंटिकल है तो ठीक है। चलो इसका आंसर है ए, 28 से करो 32 तक, 28 का क्या आ रहा है, सी, ठीक है, 29 का ए गलत है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एल, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम ब्रैकेट आर क्रॉस बी, यही निकाले हम। तो एम हो गया 20 ग्राम, यूनिट देख लो किसमें है, जूल सेकंड में है, तो ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, 20 × 10⁻³। आर क्रॉस एफ निकालें, तो आर क्रॉस एफ निकालने का तरीका, सबसे पहले 28 करें, बोलो 28 में क्या पूछा है, क्या दिया है, अ पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम इज मूविंग विद लीनियर वेलोसिटी 5i कैप। तो मास दिया हुआ है 20 ग्राम और उसकी लीनियर वेलोसिटी है 5i कैप मीटर पर सेकेंड। हैविंग पोजिशन वेक्टर r वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j, मीटर है ये, r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर बराबर, ये हो गया आई जे के, आर क्या है 3 4 0, बी क्या है 5 0 0, अब तो आ जाएगा कितना आ गया, आई ब्रैकेट ये पूरा जीरो हो गया, जे जे छुपा लिए, ठीक है, ये भी कितना हो गया जीरो हो गया, के लिए बोलो, के लिए ये जीरो और ये माइनस का 20, तो माइनस 20 के कैप। तो ये हमारा आ गया है, एम दिया हुआ था 20 ग्राम 10⁻³ - 3, आर क्रॉस भी आया
माइनस 20 के कैप, तो माइनस 0.4 के कैप, ठीक है, जूल सेकंड। क्वेश्चन 29, नो सी, तो बी बॉम्बे, चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन 29, फोर्स ऑफ माइनस के कैप, फोर्स कितना है, एफ डैश मान लो माइनस एफ के कैप, ऐसा लिखा है, एक्ट ऑन ओ द ओरिजन ऑफ द पार्टिकल, ओरिजन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, द टॉर्क अबाउट द पॉइंट, वो पॉइंट में गड़बड़ कर रहे होगे तुम लोग, पॉइंट दिया है वो करेक्शन है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं आई कैप माइन कॉमा माइनस जे कैप, वो आई कैप है, आई कैप कॉमा माइनस जे कैप, ठीक है, वन नहीं है वो, आई कैप है, तो ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब अपने को टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है, तो आर कौन है, ये आई कैप माइनस जे कैप क्रॉस एफ, कितना है माइनस एफ के कैप, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब डिटर्मिनेंट से मत करो, सीधे कर लो, आई का के साथ और जे का माइनस के साथ, आई का माइनस के साथ माइनस जे का माइनस के साथ, आई क्रॉस के आई जे के ऐसे होता है, अगर हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो प्लस आता है, तो आप देखो पहले क्या है आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के माइनस जे आएगा और ये माइनस और है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या आ गया जे कैप, यही हुआ इनटू एफ, बोलो आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के माइनस जे और माइनस ये है तो प्लस जे एफ, जे कैप एफ हो गया, अब आ जाओ माइ इसका माइनस माइनस, तो ये प्लस हुआ पहले, जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के आई हो गया इनटू एफ, ये है एफ कॉमन ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप, सी आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आ रहा है, 30 का आंसर दिया है मेरे पास, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम पार्टिकल फोर्स टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी को यू मान लें, दिया हुआ है एक्स टू दी पावर कितना 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसे ही दिया है जूल में, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है 2 जूल है, जो कि होती क्या है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होती है, तो 2 जूल ये दिया है। मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है, अगर स्पीड मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, अगर स्पीड मैक्सिमम है, इफ स्पीड मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, ठीक है ना, एक एनर्जी बढ़ती है दूसरी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मैक्सिमम हो गई तो पोटेंशियल कम हो जाएगी, काइनेटिक मैक्सिमम है तो पोटेंशियल मिनिमम, और पोटेंशियल ये दी है तो इसको पहले मिनिमम निकालो कितनी है ये, तो फॉर यू मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने के लिए एक्स की कौन सी वैल्यू पर ये मिनिमम होगी वो देखने के लिए मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम लगेगी, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम क्या होती है, वो होती है कि एनर्जी का जो डिफरेंशियल है अननोन क्वांटिटी कौन एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो कर लिया जाए, तो डी यू ओवर डी एक्स जीरो करो, करो डिफरेंशियल इसका एक्स टू दी पावर फोर का, फोर एक्स क्यूब बाय फोर माइनस
टू एक्स स्क्वायर बाय टू इक्वल टू, हाँ टू एक्स बाय टू इक्वल टू जीरो, टू से टू उड़ाओ, फोर से फोर उड़ाओ, इधर एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स तो जीरो हो गया, ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो उसको हटा दो, ये बच गया, तो एक्स इक्वल टू आया प्लस माइनस वन, ठीक है, और एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो तो यू मिनिमम आ जाएगी, तो यहाँ पर यू मिनिमम निकालें कितनी आ जाएगी, चाहे माइनस वन लिखें या प्लस वन लिखें वो रहेगा तो पॉजिटिव ही, तो ये वन बाई फोर माइनस वन बाई टू कितना आ गया, वन बाय फोर, ये वन बाई फोर आ गया, कितना आ गया वन बाई फोर पोटेंशियल एनर्जी, हाँ माइनस वन बाई फोर आ गई, और पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, काइनेटिक को लिख दो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू टू, तो वी निकल आएगा, करो कोशिश, देखो कितना आ रहा है, रूट थ्री बाई टू आ रहा है, और नहीं थ्री बाय रूट टू आएगा, ये आ गया माइनस वन बाई फोर, अब इसमें रख दो पोटेंशियल की जगह माइनस वन बाई फोर फ्रॉम फर्स्ट, प्लस काइनेटिक को लिख दो हाफ एम बी स्क्वायर, मास दिया था वन के जी, वी स्क्वायर निकालना है इक्वल टू टू, सॉल्व करो वी कितना आया, थ्री बाई रूट टू, थ्री बाय रूट टू मीटर पर सेकेंड, यही आंसर है। चलो क्वेश्चन 31, थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री तीन और करो बस। क्वेश्चन 31 देखो, फोर पॉइंट मासेस ईच ऑफ वैल्यू स्मॉल एम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, यहां पर क्या है सेम मास है, ये पार्टिकल रख दिए एम मास के, साइड एल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू ए, ए से जाए और बी डी के पैरेलल हो, बी डी तो ये रहा और ए से जाए बी डी के पैरेलल, मतलब ये वाली एक्सेस हो गई, इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, तो हम सारे पार्टिकल का निकालें, इस पार्टिकल का निकालेंगे इसका तो जीरो आएगा, जाएगा आएगा जीरो, तीन का निकालना है बस, तो आई इक्वल टू पहले इसका निकालो, तो इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ये वाली, इसका निकालेंगे तो इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, सी का निकालेंगे तो सी की भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, साइड अगर एल है तो आप देखेंगे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तीनों सेम हुई यहां से यहां तक, तो डायगोनल क्या होता है एल रूट टू, यहां से ओ से ए तक क्या हो जाएगा एल बाई रूट टू, ये भी एल बाई रूट टू, ये भी एल बाय रूट टू, तो इस वाले पार्टिकल का क्या हुआ एम एल बाय रूट टू का स्क्वायर, इस वाले पार्टिकल का भी यही एम एल बाय रूट टू का स्क्वायर, प्लस थर्ड पार्टिकल का कितना एम इंटू यहां से यहां तक डिस्टेंस एल रूट टू इसका स्क्वायर, और इस एम का तो जीरो उसी एक्सेस पर है, इसलिए तीनों को ऐड कर लो सॉल्व करके, कितना आ रहा है 3 ml स्क्वायर, 3 ml स्क्वायर, 32 ये सेंटर ऑफ मास का है और इसका 10 आएगा, वो फॉर्मूला होता है m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2, इसके बाद है 33, 33 का a है सही है, उसने कहा एक डिस्क के चार टुकड़े कर लिए, ठीक है, और इस टुकड़े का जो मास है वो m ही है, ऐसा नहीं कि पहले m था इसका m बाई फोर हो जाए, ये जो टुकड़ा है इस टुकड़े का मास कितना है m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस से जाने वाली एक्सिस के अबाउट, इसको आप एक काम करें पूरा कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर लें तो m m चार टुकड़े हो जाएंगे नहीं 4m, तो 4m इंटू आर स्क्वायर बाई टू, यही होगा फॉर्मूला,
ठीक है, पूरी डिस्क का क्या होता है, 1/2 mr स्क्वायर, लेकिन पूरी डिस्क में 4m होगा अगर इसका m है तो। तो अब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें चाहिए, ये टोटल क्या है, ये जो है हमारे पास जो डिस्क का पार्ट है वो टोटल का 1/4 है, तो इसका भी 1/4 कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/4 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया 1/2 mr स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन 34 में अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस r हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, वो कितना होगा सॉलिड स्फेयर का 2/5 mr स्क्वायर, इसको I बोला है उसने। इफ इट इज मेल्टेड इन टू ए डिस्क ऑफ रेडियस r, इसको हम r रेडियस की डिस्क में मेल्ट कर दें जिसकी थिकनेस t है, r रेडियस की एक डिस्क में मेल्ट कर दिया है जिसकी थिकनेस t है, इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस, ये टेंजेंशियल एक्सिस है, इज इक्वल टू I, देन वैल्यू ऑफ स्मॉल r विल बी, इसका भी I ही है, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी I है। क्या होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, डिस्क का 3/2 mr स्क्वायर, यही होता है। अब इन दोनों की हेल्प से थिकनेस की टर्म में थिकनेस कितनी दी है, टी दी है वैसे तो, और अपने को तो स्मॉल r निकालना है, तो ये स्मॉल r होगा, यहाँ पर कितना होगा स्मॉल r, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है स्मॉल r, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम दिया है, तो बराबर कर दो बस खत्म। देखो कितना आया, दोनों को जस्ट इक्वल करना है आपको और कुछ नहीं करना, क्योंकि उसने कहा है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सेम है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर, थिकनेस की जरूरत ही नहीं पड़ रही, 3/2 एम स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इसको मेल्ट करके डिस्क बनाओगे तो मास थोड़ी ना चेंज होगा, तो एम से एम उड़ा दो, देखो कितना आया। टू बाय रूट 15, आर इक्वल टू क्या आ गया 2/√15 आर, यही आंसर है, आंसर हो गया ए 2/√15। ठीक है, 35 में बिल्कुल ऐसी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो अभी दो क्वेश्चन किए हैं, तीन किए हैं, उसी पर बेस्ड है। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, एक समान एक चपटी है, ये डिस्क हो गई, ये इसका सेंटर है, ठीक है, इसका सेंटर क्या दिया है ओ, रेडियस कितनी दी है इसकी ए दी है, तो इसका मास कैपिटल एम मान लेते हैं, ठीक है ना, एक यूनिफॉर्म डिस्क है ए रेड, उसकी रेडियस ए है। अब उसने कहा ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस बी हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम इट, इसमें से बी रेडियस की एक डिस्क हटा ली है, और एज शोन इन फिगर, कैसे हटा ली है, ऐसे हटा ली है कि इसका यहां पर ये ओडेस सेंटर है जो हटाई गई डिस्क है, और ओ से ओडेस तक की जो डिस्टेंस है वो सी है, और जो डिस्क हटाई गई है उसकी रेडियस बी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अब बताइए इसका सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो गया होगा रिमेनिंग पोर्शन का, इसको अगर यहां से ये रिमूव कर ली है तो देखते हैं। ठीक है, कैसे करोगे इसको, इसको भी हम रिप्लेस कर लें कैसे, पॉइंट मास से, एक पॉइंट मास ये हो गया ओ, ये हो गया ओ, इसका मास कितना है कैपिटल एम, और यहीं से अपने को बताना है किधर शिफ्ट हो जाएगा, ये ओडेस है, अब बताइए ओ से ओडेस तक की डिस्टेंस कितनी दी है क्वेश्चन में, सी दी है। ठीक है, ओडेस का मास कितना है, इसका मास नेगेटिव होगा लेकिन कितना, तो अब हम ए और बी रेडियस की बात कर रहे हैं तो हमें पहले कैसे निकालना पड़ेगा, मास पर यूनिट एरिया से निकालना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इसका मास मान लीजिए स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम निकालें पहले,
कैसे निकालेंगे? मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया मतलब किसका? कंप्लीट डिस्क का एरिया कितना होगा? पाई ए स्क्वायर। फिर इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें? जितने एरिया का मास अपने को निकालना है, तो कितने एरिया का निकालना है? बी का। तो यहां कितना लिख दूं? पाई बी स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गए, एम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये निकल आया। यहां रख देते हैं, ये मास नेगेटिव रहा होगा क्योंकि रिमूव किया गया है, एम माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल लो कहां से? ओ से, बस यही आंसर है। तो ओ से निकालना है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग निकलेगा एक्सीएम, कितना? एम इंटू जीरो, ठीक है। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए, प्लस एम हो गया माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू इसी ओ से डिस्टेंस कितनी है? सी, राइट साइड है तो प्लस, डिवाइड बाय बोलो एम माइनस होगा ये एम बी स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और आप देख रहे हैं एम एम कॉमन लेके ये भी कट जाएंगे, तो क्या आया? माइनस बी स्क्वायर सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब ये समझाने के लिए मैंने अलग बनाए हैं, ये आप क्वेश्चन में अलग ना बनाएं, यही ओ है, ये ओ डैश है, यही कर सकते हैं और यहां निकालना है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन में ही पॉइंट बना लें, क्योंकि अलग से बनाएंगे थोड़ा टाइम लेगा। क्वेश्चन नंबर 36 तो इसी का पार्ट है, कर लोगे ना? 36 तो सी आ रहा होगा, 9 आ जाएगा। 28 में से 21 माइनस कर लो, वो सी हो जाएगा, ओ से ओडेस तक की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 37, नहीं नहीं इंटीग्रेशन नहीं, सिंपल है, पॉइंट मास में कन्वर्ट करके आ जाएगा। क्वेश्चन 37 देखो, करो मैं इसमें करेक्शन बता देता हूं, ये करेक्शन है थोड़ा। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टी शेप्ड प्लेट फ्रॉम ओ, ओ से निकालनी है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। देखो यहां पर ऐसे एक टी शेप्ड कोई प्लेट है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, और इधर दिया ये 6 मीटर, और ये दिए 8 मीटर, और ओ पॉइंट एक्चुअली यहां है, क्योंकि इसमें दिया नहीं है कहां है, आप इसको यहां माने, ये ओ पॉइंट है। एग्जाम में वो यहां भी दे सकता है, यहां भी दे सकता है, कहीं भी दे सकता है, ठीक है। यहां पर भी रख करके क्वेश्चन बना है, इधर भी पॉइंट ओ रख के क्वेश्चन बना है, तो अभी मैं यहां रख के बता रहा हूं कि यहां अगर ओ पॉइंट है तो बताइए इसका सेंटर ऑफ मास इस ओ पॉइंट से किधर है। करोगे? हिंट दूं? करो, चलो ट्राई करो, 2 मिनट देता हूं। एक तो ये शीट है, कितनी डिफरेंट डिफरेंट शीट है वो देख लो आप, एक तो ये शीट है और दूसरी ये शीट है, इन दोनों को पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लो, सेंटर ऑफ मास में। तो इस शीट का सेंटर ऑफ मास किधर होगा? इस वाले का, यहां होगा, ठीक है। इस शीट का कहां होगा? इसके सेंटर पर होगा यहां, तो इसको O1 मान लें, इसको O2 मान लें, और O से क्या करना है? O से अपने को सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है। अब मैं अलग डायग्राम नहीं बना रहा, जैसे एग्जाम में करते हैं वैसे ही बता रहा हूं, उसी पर मैं पॉइंट डिसाइड कर रहा हूं। O तो था, ठीक है, और हमने इस शीट का सेंटर ऑफ मास यहां मान लिया, सेंटर पर मानेंगे। इस शीट का कहां माना? इधर मान लिया, ये O1 हो गया और ये कौन सा हो गया? O2। बताओ तीनों कौन सी एक्सिस पर आ रहे हैं, एक्स पर या वाई पर?
वाई पर, तो सेंटर ऑफ मास भी कहां होगा, वाई पर ही होगा, तो मतलब हमें वाई सी एम निकालना है। तो वाई सी एम निकालना है तो बताओ पार्टिकल कितने हैं, तीन, तीन है कि दो है, दो ही तो है। इससे तो ये ओ पर पार्टिकल थोड़ी ना है, ओ से तो बताना है, ओ तो रेफरेंस पॉइंट है, ओ तो रेफरेंस पॉइंट है और पार्टिकल तो ओ डैश और ओ टू पर ही है, ठीक है। तो क्या होगा, एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू डिवाइड बाय कितना, एम वन प्लस एम टू। अब एक बात और सुनो, ये तो मास के टर्म में, इसको हम चाहे वॉल्यूम के टर्म में भी ले सकते हैं, इसको चाहे तो एरिया के टर्म में भी ले सकते हैं। कैसे, तो मास इक्वल टू होता क्या है, एरिया इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी तो दोनों की सेम है क्योंकि दोनों ही सीट एक ही मटेरियल की बनी है, तो वॉल्यूम को लिखा एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, डेंसिटी सेम है तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, एरिया। तो इसी फॉर्मूले को ये भी आप लिख सकते हो, एम वन ए वन, एम वन की जगह ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू अपॉन ए वन प्लस ए टू लिख सकते हैं। अब बताओ इसका एरिया, ऊपर वाले का एरिया, अरे ये टू है ये एट है तो सिक्सटीन, ठीक है, तो सिक्सटीन लिख दिया इंटू वाई वन। वाई वन का मतलब क्या है, जहां से रेफरेंस पॉइंट है वहां से उस इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, वहां से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी, वन, यही आएगी वन, यहां लिख दिया वन प्लस ए टू, बताओ दूसरा वाला, यहां से यहां तक छ, ये कितना टू, क्योंकि ये सिक्स है ये एट है, तो एट में सिक्स गया तो ये टू बचा, ये टू हो जाएगा, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, कितना हो गया ए टू इसका, सिक्स टू सा ट्वेल्व इंटू वाई टू, इसका सेंटर मास इधर है, इधर से डिस्टेंस उसी रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस ये कितनी, दो, ये कितनी तीन, तीन और दो, गुड वेरी गुड, डिवाइड बाय ए वन प्लस ए टू, ए वन सिक्सटीन प्लस ए टू ट्वेल्व, सॉल्व करो कितना, टू पॉइंट सेवन, यही आंसर है। कहां से करते, नहीं इधर से, अच्छा एम से करते तो टीरो सब में लिखते, टीरो कट जाते है ना, सभी में हमें एम वन को लिखना पड़ता ना, एरिया इंटू टी इंटू रो, तो टीरो सभी में लिखना पड़ता तो कैंसिल हो जाता। क्वेश्चन 38, अब करो, चलो 38 वाला करो, देखें ये सारे डेटा मैंने लिख दिए, चलो बताओ कौन का वॉल्यूम होता है, बोलो वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच। देखिए सबसे पहले स्फीयर का सेंटर ऑफ मास किधर, इधर O2 पर, कोन का सेंटर ऑफ मास इधर O1 पर, ठीक है, और कहां से निकालना है, O से, तो इसका मतलब तीनों कहां पर आ गए, वाई एक्स, वाई एक्सिस पर, तो वाई सी एम निकलेगा एक्स सी एम, वाई सी एम, तो वाई सी एम निकालेंगे। वाई सी एम का फॉर्मूले के लिए बताओ ये पूरा सिस्टम कितने पार्टिकल का होगा, तीन या दो, दो पार्टिकल, तो क्या लिखेंगे, एम वन y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले मास निकाल के रख लेते हैं, ये ए नहीं है, ये जो कोन दिया हुआ है इसका मास निकालें पहले, ठीक है, m1 बोलो क्या मास होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना, वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर, आर पे ध्यान देना क्या है,
टू आर, वन बाय थ्री पाई, बोलो, टू आर स्क्वायर, वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना, फोर आर। तो फाइनली कितना आया, ये तो वॉल्यूम आया, इनटू डेंसिटी, डेंसिटी मान लो कोन की कितनी है, रो सी, ठीक है। इसको सॉल्व किया, कितना आ गया बोलो, फोर फोर जा सिक्सटीन बाय थ्री पाई आर क्यूब, देखते जाना यही है कि नहीं, ये आएगा एम वन। अब देखें एम टू, ठीक है, एम टू, एम टू क्या है, स्फेयर है, गोला है, गोले का वॉल्यूम फोर बाय थ्री पाई आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आ रही है पाई आर क्यूब, इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है, बारह गुनी है, नौ गुनी नहीं है, बारह गुनी है, ट्वेल्व टाइम्स ऑफ कितना हो गया बोलो, 48 अपॉन थ्री पाई आर क्यूब रो सी। अब देखो M2 M1 के टर्म में कितने गुना है, M1 16 बाय 3 है, M2 48 बाय 3 है, तीन गुना है ना, तो यहां लिख दूं 3M1, बोलो M2 3M1 हो गया कि नहीं, तो ये सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, M1 के टर्म में ही आंसर आज अपन कर सकते हैं। देखो अब M1 को तो M1 लिखूं, M1 को M1 लिख दूं, लिख दिया M1, अब बताओ y1 क्या है, m1 है कौन, कोन, कोन का सेंटर ऑफ मास इधर, तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर, 2r पर, hy4 होता है, hy4 पर होता है, अभी लिखवाया था, तो 4r by 4r, तो ये सेंटर ऑफ मास है ना इसका, h by 4 पर होता है, ठीक है, आधे पे नहीं होता, एक चौथाई पर होता है, तो क्या आ जाएगा, एच वाई फोर मतलब फोर आर बाई फोर कितना हो गया, आर, जरा सा भी भूल गए ना तो वही गड़बड़ हो जाएगा, तो एम वन इंटू कितना आ गया, आर प्लस एम टू, बोलो कितना, एम टू कितना, थ्री एम वन, तीन गुना हो गया, थ्री एम वन इंटू इसी ओ से कहां तक की डिस्टेंस, एम वन तक की डिस्टेंस, M2 तक की डिस्टेंस, M2 ये रहा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, बोलो 4R और ये R कितने, 5R, डिवाइड बाय कितना, M1 प्लस M2 मतलब M1 प्लस 3M1, अब तो बता दो कितना लिखूं, फोर आर, कई कह रहे होंगे इतना तो हमने कर लिया था, इसके बाद ही तो नहीं आया है ना, बोलो कितना आ गया, फोर आर, कहां से कहां, फोर आर कहां से, ओ से, तो आंसर हो गया सी और डी, क्योंकि दोनों सेम ऑप्शन है, एट ए डिस्टेंस ऑफ फोर आर फ्रॉम ओ वेलोसिटी and acceleration of center of mass. Velocity.